ऑफिस बैकस्टेज व्यू बोलते हैं। ये जो आपकी फाइल होती है ये आपका ऑफिस बैकस्टेज व्यू भी कहलाता है, ठीक है। तो उसमें जाएंगे, वहाँ पे होते हैं जी टेम्पलेट के, मतलब आप अपने खुद के टेम्पलेट्स भी बना सकते हो और अपने टेम्पलेट्स को एडिट भी कर सकते हो। काइंडली सब म्यूट कर लें खुद को। तो आप अपने टेम्पलेट्स को डिज़ाइन भी कर सकते हो। अब कुछ टेम्पलेट्स ऑफलाइन होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ये इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे हमारा कोई एमसीक्यूज आ सकता है। हम चलते हैं एडिंग और डिलीटिंग कवर पेजेस की तरफ। के कवर पेजेस क्या होते हैं, पहले तो हम पेजेस को लगाना सीखते हैं कि हम ब्लैंक पेज अपने उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर हम कवर पेजेस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ब्लैंक पेजेस की तरफ। और मेरी एक बात याद रखिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट वगैरह चाहिए हो, यानी आपके पास मौजूद नहीं है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, तो उसे आप किस तरह से एडिट कर सकते हो। इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, इक्वल के साथ आप लिखेंगे RAND, ठीक है, जिसे हम रैंडम भी बोलते हैं। RAND रैंडम लिखें, रैंडम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएं, रैंडम पूरा नहीं लिखना, RAND लिखना है सिर्फ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जितनी आपने लाइंस लगानी हो, यानी जितनी लाइंस का आपको पैराग्राफ चाहिए हो वो लिख लें। आप कुछ भी लिख सकते हो, जिस तरह मैं लिख देता हूँ 3-4, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब ये देखें 4 लाइंस की 3 पैराग्राफ हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लाइंस यानी पैराग्राफ बना सकते हो। अब इसमें ब्लैंक पेजेस ऐड करते हैं। ब्लैंक पेजेस में जो आप लाइन देखेंगे लिखा हुआ है नोट दैट द न्यूली इंसर्टेड पेज विल अपीयर इमीडिएटली बिफोर द कर्सर लोकेशन, जहां आपका कर्सर होता है उससे पहले की तरफ आपका ये ब्लैंक पेज लगेगा, ठीक है। ये मेरी बात गौर से सुन लें, एमसीक्यूज भी आता है, इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा कि जहाँ पे आपका कर्सर होगा, यहाँ पे आपकी कर्सर की लोकेशन होगी, उससे पहले ही ब्लैंक पेज ऐड होगा जो न्यू होगा। अब किस तरह से मैं देखता हूँ, यहाँ मैंने लगाया, देखें ये मेरा कर्सर है, ये स्टार्ट में मैंने ऑन किए बैक पे अपना कर्सर रखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं ब्लैंक पेज जब ऐड करूँगा तो ब्लैंक पेज इसके बिफोर ऐड होगा और ये जो सारा होगा ना आपका डॉक्यूमेंट, ये नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ब्लैंक पेजेस कहाँ पे होता है, ब्लैंक पेजेस के लिए आप इंसर्ट टैब में जाएं। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे दूसरे देख लें, दूसरे नंबर पे आपको ब्लैंक पेज दिख रहा होगा, ब्लैंक पेज पे आपने क्लिक कर देना है। ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक किया ब्लैंक पेज लग गया। देखो मैंने कहा था ना मेरा कर्सर पोजीशन जो है वो ऑन की बैक साइड पे है, तो जो न्यू ब्लैंक पेज ऐड होगा वो उससे बिफोर होगा। देखें ऊपर अब एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया, नीचे हमारा ये डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। तो ये होता है ब्लैंक पेज। अब इस ब्लैंक पेज में एक हमारा और कंसर्न है कि ब्लैंक पेज को हम अपने डिलीट कैसे कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं। आपके जहन में भी ये क्वेश्चन तो आया होगा, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको एंड कैसे कर सकते हैं। तो उस एंड के लिए आपको अपना जो होता है पैराग्राफ, जिसे बोलते हैं हम पैराग्राफ शो एंड हाइड, ठीक है, उसे ओपन करना होगा। वो कहाँ पे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। होम टैब में जाएंगे और ये आपको दिख रहा है, ये देखें पैराग्राफ ग्रुप में जहाँ पे मैं अपना कर्सर आप लोगों के साथ रोल कर रहा हूँ, ये होता है पैराग्राफ शो एंड हाइड बटन, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर दें, अब ये देखें आपको बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा होगा अगर पेज ब्रेक कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो पेज ब्रेक यहाँ पे लगा हुआ है, एक पेज ब्रेक यहाँ पे है, एक पेज ब्रेक बिल्कुल पेज के एंड में है, ये देखें। तो अब इसको डिलीट कैसे करना है, डिलीट करने के लिए बिल्कुल सेम होता है, जहां पे ये शो हाइड बटन लगा हुआ है उसके बिल्कुल एंड में आपने अपना कर्सर रख देना है, ठीक है। ये अपना कर्सर इसके एंड में लिया है, ये है कर्सर, ये देखें ये एंड में आ गया। अब आपने सिंपली बैक स्पेस की प्रेस कर देनी है। देखिए मैंने बैक स्पेस की प्रेस की, ऊपर वाला डॉक्यूमेंट खत्म, तो न्यू पेज ऐड हो रहा था वो पेज ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पेज जो ब्रेक होता है उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो अगर इसको दोबारा से ख़त्म करने के लिए आप दोबारा होम टैब में चले जाएं और इसको बंद कर दें, तो ये आपको देखें जो लाइन जेड एंड डायरेक्शन शो हो रही थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये होता है ब्लैंक पेज ऐड करने का तरीका। लेकिन जो आपको मैंने बताया कि ऐड आप ब्लैंक पेज, पेज नंबर 242 में सेकंड लाइन लिखी हुई है नोट दैट द न्यूली इंसर्टेड पेज, उसको अच्छे से रीड कर लें एक बार, उसको हाईलाइट भी कर लें।
ताकि आपको एग्जाम में जब ये एमसीक्यूज नाउ आएगा सुनिए इंशाल्लाह सर, जरूर आता रहता है ये एमसीक्यूज। मैं ये कह रहा हूं कि ये पेज ब्रेक का रिपीट करेगा जो आपने बताया था अभी, दोबारा बोलें। कह रहा हूं कि पेज ब्रेक का रिपीट करेगा जो आपने बताया था अभी थोड़ा सा। जी तो पेज ब्रेक क्या होता है, आप एक अपना जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें अपना एक पेज ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल साफ पेज, ब्लैंक होता है बिल्कुल साफ, यानी एक क्लियर पेज। मतलब अब एक पेज में तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो मजीद पेजेस भी तो ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने इंसर्ट में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि ब्लैंक पेज आपका वहाँ पे ही ऐड होगा जहाँ आपका कर्सर शो हो रहा होता है, ठीक है। यानी मेरा ऑन के ये देखें, ऑन के पास मेरा कर्सर है ना, बिल्कुल ऑन के पीछे मेरा कर्सर है, तो ब्लैंक पेज इससे पीछे ही ऐड हो जाएगा। मैं जैसे ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप लोगों के पास एक न्यू ब्लैंक पेज ऐड हो गया, ठीक है। ये होता है जी ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज को ख़त्म करना हो तो होम टैब में जाते हैं, यानी इसको ब्लैंक पेज खत्म करना हो तो ये पैराग्राफ शो हाइड बटन होता है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हाँ, अब जब इसको खत्म करते हैं तो इसको इसके एंड में रखना है, ठीक है। ये देखें ये एंड में मैंने रखा, तो बैक स्पेस की प्रेस करें अपने लैपटॉप से तो ये आपका डिलीट हो जाएगा जहाँ आपका कर्सर होगा, ठीक है। ये देखें ये डिलीट हो गया मेरा, जो मैंने ब्लैंक पेज अपना ऐड किया हुआ था। तो नेक्स्ट चलते हैं कवर पेज की तरफ। अब कवर पेज क्या होता है, कवर पेज भी बिल्कुल ब्लैंक पेज की तरह होता है, लेकिन जो कवर पेज होता है वो पहले से डिज़ाइन हुआ होता है, ठीक है। आपको डिज़ाइन बनाने नहीं पड़ते, आप अपनी बुक लिखते हैं, यानी जब आप अपनी बुक पब्लिश करते हैं तो उस पर टाइटल देना होता है, उसके लिए आप कवर पेज ही यूज़ करते हैं। मैंने अपनी पीडीएफ फाइल्स में भी काफ़ी बार कवर पेज यूज़ किया है। कवर पेजेस कैसे लगता है, देखिए अब मेरा एक डॉक्यूमेंट है, मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा नज़र आए, तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको कस्टमाइज़ करूँगा। अब ये कैसे करना है, इंसर्ट में आए, यहाँ पे काफ़ी सारे कवर पेजेस हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी कवर पेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास कवर पेजेस हैं, कुछ आपको यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे, तो ये कवर पेजेस हैं, कोई भी कवर पेज आप अपनी स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वो कवर पेजेस में, नोट डैट इफ़ यू इंसर्ट एन अल्टरनेटिव कवर पेज द प्रीवियस कवर पेज विल बी रिप्लेस्ड। जब आप एक कवर पेज यूज़ कर लेते हो लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा यूज़ करता हूँ, तो जब आप दूसरा कवर पेज लगाएंगे जो पहले वाला था वो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप एक ही डॉक्यूमेंट पे दो कवर पेजेस नहीं लगा सकते, एक पेज लगा सकते हो, ठीक हो गया। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं, नेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि डिलीट आ कवर पेज, के कवर पेज को डिलीट कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपली नीचे लिखा हुआ है रिमूव करंट कवर पेज। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका करंट पेज रिमूव हो जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थीम्स की जानिब। थीम्स क्या होते हैं आपके, थीम्स ये जो इसकी डेफिनेशन है ना, ये क्लियर कट है बिल्कुल, ये एमसीक्यूज आती है पेपर में, लिख लें, इस बार भी अक्टूबर में आई हुई है, इसको स्टेरिक कर लें कि ये एग्ज़ाम में आई है अक्टूबर के। अ डॉक्यूमेंट थीम इज़ अ सुइट प्री सेट फॉर्मेट्स, आपके पास पहले से बने हुए आपको फॉर्मेट्स मिल सकते हैं। जिस तरह अभी जैसे क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ था ना AFC 04 क्रैश कोर्स, तो उसको ज़्यादा खुशकत करने के लिए, उसको ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए आप अपनी जगह पे थीम्स यूज़ करते हैं। तो थीम्स भी देखिए काफ़ी सारे होते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे थीम्स। ये सबसे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ऑफिस बैक स्टेज भी होता है जो आपके नंबर वन पे शो हो रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम्स यूज़ हो रहा होता है वो आपका ऑफिस का ही होता है, ठीक हो गया। ये होते हैं आपके थीम्स। अब नेक्स्ट है पेज नंबर्स, हेडर्स एंड फुटर्स। पेज नंबर क्या होते हैं, अब ये एक पेज है, ये सारा एक पेज है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये एंड होता है यहाँ पे जाके, ये एक पेज एंड होता है यहाँ पे। अब इसको नंबरिंग करनी है, मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं, जिस तरह बुक की नंबरिंग है ना, अब देखें हम 246 पे हैं, नेक्स्ट 247 है, फिर 248 है, ये होती है पेज नंबरिंग, कि आप पेजेस को नंबर कैसे दे सकते हो। उसमें हम पढ़ेंगे हेडर्स एंड फूटर्स। हेडर्स एंड फूटर्स क्या होते हैं, आपकी हेडिंग्स होती हैं और आपके टाइटल्स होते हैं। आपके सामने बुक ओपन है ना, बुक में ऊपर देखें लिखा हुआ है चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो आपका हेडर है इसे बोलते हैं हेडर, ठीक है। अब नीचे आ जाएं बुक में, आपके पेज में नीचे लिखा होगा पेजेस, एक तो पेज का नंबर है 247, राइट साइड पे लिखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, लेफ्ट पे लिखा हुआ है ई माइल वुल्फ इंटरनेशनल, ये आपका फूटर है। सिंपली हेडर जो होता है वो स्टार्ट में लगता है, जो फूटर होता है वो आपके एंड में लगता है।
मैं आपको करके भी दिखा देता सुनेगा हूँ सर? इस... जी सर ये एक बात पूछनी है, ये बताएगा कि आप फीडबैक के जो क्वेश्चंस हैं वो कब करवाएंगे? अभी एंड में करवाएंगे, आज करवाएंगे? जी जी वो एंड में जब आपकी क्लासेज एंड हो रही होंगी ना, एक दिन उसके लिए रखना है। लेकिन मैं अभी आपको साथ साथ बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि यार थीम्स की ये वाली एमसीक्यू आई हुई थी, तो मैं साथ साथ भी बताऊंगा और एंड में एक कंप्लीट भी बताऊंगा आप लोगों को। मेरा मेरा मकसद है कि आप जो जिस तरह ग्रुप पे फीडबैक्स वगैरह आते हैं ना, वो जो आप जो सेंड करते हैं जी वो जी वाले फीडबैक्स जो होते हैं वो किस वो एंड में करवाएंगे आप सॉल्व, पहले ये करवाने के बाद सारी क्लासेस जी के जी बाद? वो एंड में, एंड में। सर ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे हेडर एंड फूटर्स की। हेडर एंड फूटर दो तरीकों से ऐड हो सकते हैं। किस तरह से? आप अपने वर्ड में आके, या तो अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डबल डबल दो बार टिप कर दें, ठीक है? दो बार प्रेस करेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली हेडर ऐड हो जाएगा। देखें, ये मैंने आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने डबल पैड क्लिक किया तो वहाँ पे मेरा हेडर आ गया। ये लिखा भी आ रहा है यहाँ पे, हेडर। इसी तरह से अगर आप लास्ट में जाएंगे ना, लास्ट में जाके डबल क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपका फूटर लगा हुआ है। ये देख लेते हैं, यहाँ पे फूटर भी लगा हुआ है। अब इसको यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फूटर, तो ये मैंने ख़त्म कर दिया। इस तरह से हेडर एंड फूटर ऑटोमेटिकली भी जनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फाइल्स में जाके लगाना चाहते हो, इंसर्ट टैब में आए, इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे हेडर और फूटर यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको शो हो रहा होगा, ये होता है हेडर आपके। कोई भी आप हेडर यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे यहाँ पे डिज़ाइंस मौजूद होते हैं। इसी तरह से हेडर्स के हैं और इसी तरह से फिर फूटर्स के हैं। अब कुछ बच्चे ना परेशान होते हैं, सर ऑनलाइन हेल्प नहीं मौजूद होती। तो यार इस तरह की तो हेल्प मौजूद है ना, आप अपना कर्सर हेडर पे रख दो, क्लिक नहीं करना, वैसे रख दो, तो ये आपको वैसे सारी डिटेल दे देता है। देखो कि हेडर होता क्या है। द कंटेंट इन द हेडर विल अपेयर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। यानी मैंने बताया कि हेडर टॉप पे होता है और ये जो फूटर आपका होता है वो एंड पे होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एट बॉटम ऑफ द ईच प्रिंटेड पेज। तो ये है हेडर एंड फूटर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कस्टमाइजिंग हेडर्स एंड फूटर। जो मैंने आपसे दो तरीके अभी शेयर किए हैं ना, कि हेडर्स और फूटर को आप डबल पैड पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो और अपने इंसर्ट टैब में भी जाके भी क्लिक कर सकते हो, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। इन लाइंस को पढ़ लीजिएगा, जो इसकी फर्स्ट बुलेट है ना, उसमें जो सेकंड लाइन है, नॉट दैट द हेडर एंड फूटर टूल्स टैब इज ओनली विजिबल व्हेन अ हेडर और फूटर इज सिलेक्टेड फॉर एडिटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको स्टेरिक कर लें। नेक्स्ट है एडिंग पेज नंबर्स। पेज नंबरिंग क्या होती है? नेक्स्ट है पेज नंबर। ये क्या किसको बोला जा रहा है? एथिक्स का। यार लड़ क्यों रहे हो आप लोग? जिसका जो क्वेश्चन है, अब मैं चैट देखूंगा, आप नहीं चैट में बताते रहें, ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आमना हबीब, ये जो मैंने आपको लाइन बताई कस्टमाइजिंग हेडर्स एंड फूटर्स में, 249 पेज जो फर्स्ट बुलेट में पैराग्राफ दिया है 3 लाइंस का, उसमें सेकंड लाइन है नोट दैट द हेडर एंड फूटर टूल्स टैब इज ओनली विजिबल व्हेन अ हेडर और फूटर इज सिलेक्टेड फॉर एडिटिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें। आईफोन एक्स, यार अपना ना कोई नाम लिख लो जो आपने मुझे अपना नाम भेजा था। लास्ट में मौका भी मिलेगा यार, साथ साथ भी पूछ लो तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज बताना। हसान बिन अमजद कह रहे हैं कि कितने तरीके हैं हेडर्स फूटर्स को रिमूव करने के। यार जिस तरह हेडर को मैंने ऐड किया ना, डबल क्लिक करके हेडर ऐड हो गया, जब आप दोबारा डबल क्लिक करेंगे कहीं पे भी स्टार्ट में तो वो रिमूव हो जाएगा। एक तो तरीका ये होता है, ठीक है? दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, टैब्स में जाके, इंसर्ट टैब्स में आने के बाद जैसे आप हेडर इंसर्ट कर लेते हैं तो यहाँ एंड में लिखा होता है रिमूव हेडर, तो रिमूव हेडर पे क्लिक करने के बाद आपका हेडर या फुटर जो है वो रिमूव हो जाएगा।
नेक्स्ट है पेज नंबरिंग क्या होती है। पेज नंबरिंग भी यहीं पे ही पड़ी हुई है, मैंने आपको पेज नंबर का कॉन्सेप्ट अभी दे दिया है सारा, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। इंसर्ट टैब में आएंगे ना जब, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर। अब ये पूछेगा जो नंबरिंग लगानी है वो टॉप में लगाएं, जिस तरह ये ऊपर शो भी हो रही है आपको राइट में, बॉटम में लगाएं यानी पेज नंबर नीचे आने चाहिए, या पेज मार्जिन में लगाएं, लेफ्ट राइट अप डाउन में लगाएं, या करंट पोजिशन जहाँ आपका कर्सर है वहाँ पर लगाएं। तो चार किस्म की होती हैं इसमें क्वालिटीज़ के, अपना पेज नंबर आप कहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है जब पेज नंबर पे क्लिक करें। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं, ये वाले चार ऑप्शंस हैं, टॉप बॉटम पेज मार्जिन और करंट पोजीशन पे आप अपना पेज नंबर लगा सकते हो। उसके बाद आते हैं पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक की तरफ, कि पेज ब्रेक कैसे लगानी है, सेक्शन ब्रेक कैसे लगानी है। पेज ब्रेक तो मैं आपको लगानी सिखा चुका, कंट्रोल प्लस ई, अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आपकी जो है वो पेज ब्रेक लग जाती है। ठीक है, शॉर्टकट की है पेज ब्रेक लगाने की, कंट्रोल प्लस एंटर, ये बात याद रखिएगा। पेज ब्रेक में हमने अपने डिस्कस कर लिया, हम चलते हैं सेक्शन ब्रेक की तरफ, कि सेक्शन ब्रेक कैसे लगती हैं। उससे पहले 253 पे जो आपको चार लाइंस दिख रही हैं ना, कीप लाइंस टुगेदर, कीप विद नेक्स्ट, पेज ब्रेक बिफोर, विडो एंड ऑर्फन, इनका कोई प्रैक्टिकल नहीं है ना आपने करना है, सिर्फ इनको याद करना है कि कीप लाइंस टुगेदर जो होती हैं उसका क्या इफेक्ट है। प्रीवेंट पेज ब्रेक इन द मिडल ऑफ पैराग्राफ, इसी तरह से जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इन चारों की आपने याद कर लें, इम्पोर्टेंट MCQs है और अक्टूबर में हर बच्चे के पेपर में यहाँ से MCQs आया है। किसी से कम कीप विद नेक्स्ट पूछा, या किसी से विडो ऑर्फन का पूछा, या कीप लाइंस टुगेदर का पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये चार लाइंस आपने अच्छे से याद कर लेनी है। पेज नंबर कैसे रिमूव करेंगे यार, इंसर्ट में आए, हेडर एंड फुटर का जो एरिया है ना, पेज पेज नंबर वहां पे लिखा हुआ है, तो आप जरा चार पोजीशन है ना ऊपर ये देखें, नीचे आपको नीचे शो रहा है रिमूव पेज नंबर्स, तो यहाँ से रिमूव करोगे तो आपका पेज नंबर रिमूव हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे सेक्शन ब्रेक की तरफ। पेज ब्रेक हमारा लास्ट, जो हमने ब्लैंक पेज ऐड किया था ना वही आपका पेज ब्रेक है। ठीक है, तो सेक्शन ब्रेक क्या होता है, आप सेक्शन ब्रेक में आते हैं, 255 पेज है। अब सेक्शन ब्रेक के भी चार ऑप्शंस हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस पेज, इवन पेज एंड ऑड पेज, इनके भी ये चार के चार याद कर लें अच्छे से, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पेज लेआउट में आए, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक्स। ठीक है, ये ब्रेक्स हैं, सेक्शन ब्रेक्स होती हैं और ये पेज ब्रेक्स भी होती हैं, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक आपका नेक्स्ट पेज पे भी लग सकता है, वो उन्होंने लिखा भी हुआ है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बुक नहीं होगी तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट पेज का इफेक्ट क्या था, कंटिन्यूस पेज का इफेक्ट क्या था, इवन पेज और ऑड पेज। अब ये होता क्या है, सेक्शन ब्रेक जब आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेक्शन ब्रेक होगी वो नेक्स्ट पेज पे लगेगी, करंट पे नहीं लगेगी। जब आप कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट जो न्यू सेक्शन ऐड होगा वहाँ पे सेक्शन ऐड होगा। इवन पेज पे करेंगे, अब आपकी बुक है उसके पेजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जो आपकी सेक्शन ब्रेक होगी वो अगर आप इवन पेज पे क्लिक करेंगे तो वो 2, 4, 6, 8 और 10 पे ऐड होगी। इसी तरह ऑड पेज पे करेंगे तो वो आपकी 1, 3, 5, 7, 9 पे होगी। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। यार पेज ब्रेक यही होता है कि आप यहाँ पे अपना पेज ख़त्म करना चाहते हो। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है उस पर 5 पैराग्राफ है, लेकिन आप चाहते हैं इस पेज पे 3 पैराग्राफ आए, तो जहाँ पे 3 एंड होते हैं वहाँ पे जाके अपना कर्सर रख लें और पेज लेआउट में जाके ब्रेक्स में जो मैंने अभी आपसे शो की ये वाली, यहाँ से अपना कोई भी लगा लें, या कॉलम वाइज लगा लें, या टेक्स्ट आपने रैप करनी है तो वो लगा लें, या पेज पे क्लिक कर देंगे तो एक न्यू पेज उसके नीचे ऐड हो जाएगा। ये होती है पेज ब्रेक, के अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पेज ब्रेक लगा देना।
सही है जावर कह रहे हैं इफेक्ट्स को रिपीट कर दें। यार सेक्शन ब्रेक वहाँ पे होगी, अगर आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है मेरा, ठीक है, इसके एंड में लगेगा सेक्शन ब्रेक, यानी इससे नेक्स्ट पेज पे लगेगा। अगर कंटिन्यूस पे करते हैं तो इसी करंट पोजीशन पे सेक्शन ब्रेक लगेगा। इवन पे करते हैं तो आपकी बुक है 10 पेजेस की, इवन कौन से नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो इन पे पेज ब्रेक लगेगा, सॉरी सेक्शन ब्रेक लगेगा। और अगर आप ऑड पे क्लिक करते हैं तो वो 1, 3, 5, 7, 9 पे लगेगा। ये है इसके इफेक्ट्स। और इसी तरह से आप सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हो, जिस तरह पेज ब्रेक को रिमूव कर सकते हो इसी तरह से आप सेक्शन ब्रेक को भी रिमूव कर सकते हो। अपने होम में जाके जो पैराग्राफ शो हाइड का बटन मैंने सिखाया था, ठीक है, उसके एंड में रख के बैक स्पेस की प्रेस कर दें तो आपकी पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक भी खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है इंसर्ट कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट। के कॉलम्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ इसमें एक दो चीज़ें याद रखते हैं मेरी। जो कॉलम्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, सिर्फ एक कॉलम लगा होता है आपकी इस स्क्रीन में, आपके एक डॉक्यूमेंट में जो बाय डिफॉल्ट लगा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम जो लग सकते हैं वो 45 है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉलम्स पे क्लिक कर लें, मोर कॉलम पे आ जाएं। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो बाय डिफॉल्ट है वो 1 है, देखें 1 ऑलरेडी टिक हुआ हुआ है यहाँ पे। 2 भी लगा सकते हो, 3 भी, लेफ्ट पे भी जा सकते हो, राइट पे भी जा सकते हो, लेकिन मोर कॉलम पे आपने क्लिक कर लेना है। ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो इन्हीं फर्दर ऑप्शंस में ही जाके आपसे पेपर पूछता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 1 बाय डिफॉल्ट है, वो कहता है कि 45 हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाने। मैं 46 लगाता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो वो मुझे पॉपअप नोटिफिकेशन देता है, यार जो द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 45, 1 से लेकर 45 तक लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं 46 लगा रहा था वहाँ पे, इसलिए उसने नोटिफिकेशन भेज दिया कि आपका एरर है। ठीक है, एक ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है, सेक्शन भी बाय डिफॉल्ट 1 होता है, कॉलम भी बाय डिफॉल्ट 1 होता है। नेक्स्ट आ जाए 259 पे, पेज सेटअप क्या होता है। पेज सेटअप में हम बात करेंगे वाटर मार्क्स की, रूलर्स की, पेज ओरिएंटेशन की, लाइन नंबर्स की, मार्जिन की, जो 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ईजी भी हैं। वाटर मार्क क्या होता है, अब आप लोगों को भी पता है वाटर मार्क क्या होता है। अब मैं अपनी काफ़ी सारी फाइल्स में शो करता हूँ जीशी स्टडी पोर्टल का वाटर मार्क, जो बिहाइंड द टेक्स्ट लगता है। अब वाटर मार्क ये याद रख लें, वाटर मार्क्स आपके टेक्स्ट भी हो सकते हैं और लफ्ज़ में भी आप लिख सकते हैं, आपकी पिक्चर भी आपका वाटर मार्क हो सकती है। डेट अपेयर बिहाइंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगता, टेक्स्ट के पीछे लगता है, ठीक है। वाटरमार्क की एक निशानी होती है। वाटरमार्क होते कहाँ पे हैं, पेज लेआउट में आएंगे, ये हैं जी वाटरमार्क। वाटरमार्क पर्सन लेके जाएंगे तो आपको सारी डिटेल दे देगा। अब ये देखिए, ये होते हैं वाटरमार्क, कुछ ये यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल खुद ही पड़े होते हैं, लेकिन अगर आपने अपना लिखना है तो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछता है या टेक्स्ट का लिखना है या आपने पिक्चर का वाटरमार्क देना है। देखिए आपके सामने शोर है ना, या आपने कोई वाटर मार्क अभी नहीं लगा हुआ इसलिए इस पर टिक हुआ है। अगर आप पिक्चर पे ऐड करते हैं तो यहाँ से फिर आपको अपनी पिक्चर ऐड करनी होगी, सिलेक्ट पिक्चर अपनी कंप्यूटर की फाइल से। टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश सेट कर सकते हो अपनी, यानी लैंग्वेज सेट कर लें, टेक्स्ट जो आपने लिखना है। देखें मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ये मैंने लिखा जी जीशी। फॉन्ट आप ठीक कर सकते हो, साइज आपने कितना रखना है, यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लो, फिर किस कलर में लगाना चाहते हो, ये मैंने रेड कर दिया। हॉरिजॉन्टल लगाना है या डायगनल लगाना है, तो मैं डायगनली लगा रहा हूँ और मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब देखें कहाँ पे लगा जी, ये लगा जी आपका वाटर मार्क, ये लगा हुआ है नीचे, ये देखें ये लिखा हुआ है जीशी, लिखा गया ना, ये है जी आपका वाटर मार्क। बहुत सी फाइल्स में अपने लोगों ने यूज़ किया होता है। अब इसको ख़त्म कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा है रिमूव वाटर मार्क, रिमूव वाटर मार्क पे लिख करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाटर मार्क का कॉन्सेप्ट है, बस इसमें दो बातें याद रखें, पिक्चर भी हो सकता है और आपका टेक्स्ट में भी हो सकता है। और एक बात याद रख लें, ये MCQs आई हुई है अक्टूबर में, डेफिनेशन जहाँ पे लिखे ना वाटर मार्क की, उसकी लास्ट लाइन लिखी हुई है, वाटर मार्क्स आर विजिबल इन प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू और इन अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। ये लाइन स्टेरिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट आप पेजेस देखेंगे, जो मैंने आपसे वो सारा डिस्कस कर लिया है कि पेज भी हो सकते हैं, वो सब उसने बताया हुआ है, पिक्चर कैसे ऐड करनी है,
टेक्स्ट कैसे लगाना है और इसको खत्म कैसे करना है। फिर चलते हैं रूलर्स की तरफ। अब रूलर्स क्या होते हैं यार? रूलर्स ये जो आपका टेक्स्ट है ना, इनकी सेटिंग के लिए यूज होते हैं। डेफिनेशन जो है ना इसकी, इसको अच्छे से याद करना है, हाईलाइट कर लें डेफिनेशन को। रूलर्स आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर्ड एंड मेजर्ड बार्स। हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं, ठीक है। होते क्या है, ये आपको शो हो रहे हैं रूलर्स, ये होते हैं जी रूलर्स, ये जो ऊपर आपको मेरी एक लाइन शो हो रही है ये रूलर्स। अब कर्सर लेके जाएं किसी एक रूलर पे, वो कहता है कि ये करेगा जी फर्स्ट लाइन को इंडेंट। अगर आप मिड में लेके आते हैं ये होता है हैंगिंग इंडेंट। नीचे लेके आएंगे तो ये कहता है ये होता है लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। ये मैंने अपना सिलेक्ट किया ना पैराग्राफ, अब मैं करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, देखो उसने फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर दिया, राइट पे लेके आ, ठीक है। इसको वापस ले, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ जी हैंगिंग इंडेंट। ये दरमियान वाला होता है हैंगिंग इंडेंट, वो देखें फर्स्ट लाइन को छोड़ दिया क्योंकि फर्स्ट लाइन वाला इंडेंट अपनी जगह पे है, बाकी सारा पैराग्राफ हैंग कर दिया उसने, हैंग कर दिया राइट साइड पे, ये होता है हैंगिंग इंडेंट। नीचे वाला था लेफ्ट इंडेंट। अब ये इस साइड से, लेफ्ट साइड से शुरू होगा ना। अब ये देखें ये, मैं इसको मूव करता हूँ तो वो सारा राइट पे ले गया। अगर आप इधर से यूज करेंगे ना इस साइड से, तो फिर ये आपको आपका लेफ्ट की जानिब ले आएगा। जी, मैं चैट पढ़ता हूँ यार, एक मिनट। हमें MS यूज करने देंगे, बिल्कुल करने देंगे यार, जो मर्जी यूज करना। अली रजा, वाटर मार्क की जो लाइंस है ना यार, वो मैं कह रहा था कि ये सेम एज दैट आती है, बिल्कुल ये लाइन आती है पेपर में। वाटर मार्क्स आर विजिबल, के वाटर मार्क्स कहाँ कहाँ नजर आ सकते हैं, जब आप प्रिंट लेते हैं तब भी आ सकते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग जब आप करते हैं उसमें भी आ सकते हैं, और कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में भी आपको वाटर मार्क आपका नजर आता है, ठीक है। आपका रूलर नहीं शो हो रहा वर्ड में, मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है। व्यू टैब में आ जाएं, व्यू टैब में आए, ये जिस तरह मैं भी व्यू टैब में आ गया हूँ, तो ये है जी रूलर, यहाँ पे मेरा टिक है ना, यानी मुझे शो होना चाहिए। ये मैं हटाता हूँ तो मेरा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टिक कर लें तो आपका रूलर शो हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है, वो बिल्कुल सेम एज दैट रूलर का कॉन्सेप्ट है यार। कुछ ना ये ऑप्शन दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन दी हुई है रूलर्स की, कई चीज़ें हम टैब टैब स्टॉप्स भी बोलते हैं, वो यहाँ से सेट होंगे। ये देखें मेरा कॉर्नर में आ जाएं, राइट बिल्कुल लेफ्ट में ये लिखा रहा है लेफ्ट टैब। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, क्लिक कर लें तो ये आपके पास चेंज हो गया, ये सेंटर टैब। इसी तरह से ये क्या हो गया, राइट टैब। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे होते हैं, यहाँ पे आप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। मुइज़ खानी सर, मैं आपकी बात सुनता हूँ यार, वेट मैं टॉपिक कवर कर लूँ, ये जो दो तीन टॉपिक रह गया ना हमने चैप्टर 9 आज कवर करना है। नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन बहुत ही एक ना सिंपल सी चीज़ होती है कि जो आपका टेक्स्ट है उसको ओरिएंट कैसे करना है। ये मेरा टेक्स्ट है ना, आप इसको ओरिएंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, यानी इसको राइट पे कैसे करें थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे कैसे करें। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि पेज ओरिएंटेशन होती है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ओरिएंटेशन होती है ना पेज लेआउट में आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें ओरिएंटेशन, वो पोर्ट्रेट होती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये लैंडस्केप होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वर्ड में पोर्ट्रेट होती है, पावर पॉइंट में लैंडस्केप होती है, ठीक है। अब मैं लैंडस्केप करता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा वाइड हो गया मेरा एरिया। मैं पोर्ट्रेट पे करता हूँ तो वो अपनी असल हालत में आ जाएगा, ये देखें थोड़ा सा कम हो गया, नैरो रेंज में आ जाएगा, इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। इसमें पेज ओरिएंटेशन में लाइन लिखी हुई है, नोट डैट इफ यू हैव नॉट इंसर्टेड एनी सेक्शन ब्रेक्स देन द ओरिएंटेशन ऑफ द होल डॉक्यूमेंट विल बी सेट कंसिस्टेंटली। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, 265 में पेज ओरिएंटेशन में नोट डैट, चार बुलेट्स के नीचे जो लाइन लिखी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओरिएंटेशन इस तरह से यूज़ नहीं करते तो आप फिर मार्जिन्स लगा सकते हैं, मार्जिन्स भी इसी में ही है ओरिएंटेशन के साथ। यहाँ से अपना बिल्कुल कोई भी मार्जिन आप अपना सेट कर सकते हो, कस्टम मार्जिन भी होते हैं, अपनी मर्जी से भी मार्जिन आप सेट कर सकते हो। फिर है लाइन नंबर के, नंबरिंग जो आपकी लाइन्स होते हैं उसको नंबरिंग कैसे कर सकते हैं,
ये मेरी लाइंस है ना, जिसमें मैंने इन लाइंस को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं आप लोगों की चैट है ना वो देखता हूँ यार, एंड में सबके आंसर करूंगा। अगर आंसर नहीं भी होंगे ना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहीं पे हूँ मैं, जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता हम कहीं नहीं जा रहे। तो लाइन नंबरिंग पेज सेटअप में आए, यहाँ पे है लाइन नंबर। अब ये कॉन्सेप्ट भी याद रख लें, बाय डिफॉल्ट नन पे होता है क्योंकि कोई लाइन नंबर ही नहीं है यहाँ पे। कंटिन्यूस करेंगे तो सब पेजेस लग जाएंगी, जो कंटिन्यू चलता रहेगा। पेज नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो जहाँ पे आपका लास्ट जो पेज होगा उसकी जो नंबरिंग खत्म हुई होगी, नेक्स्ट वहीं से शुरू होगी नेक्स्ट। अब पहली पेज में 20 लाइन्स हैं, 20 नंबर लग गए। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो जो लाइन्स होंगी वो 21 से स्टार्ट होंगी, एक से स्टार्ट नहीं होगी। ये होता है कंटिन्यूस। अगर आप रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो फिर 1 से शुरू होगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, जहाँ आपने सेक्शन ऐड किया होगा वहाँ से दोबारा शुरू होगी, एक से लाइन। ठीक है, तो ये होती है। देखिए मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें लाइन लग गई। ठीक है, अगर आप करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज तो रीस्टार्ट ईच पेज पे करेंगे, जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो एक से स्टार्ट होगी। ये आप करके देखना, ये मैंने नन पे क्लिक किया तो लाइंस खत्म हो गई हैं। तो ये है लाइंस का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से रिमूव भी कर सकते हो, जैसे रिमूव करने के लिए क्या होगा, नन पे क्लिक कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं मार्जिन। मार्जिन मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें दो टाइप्स होती हैं मार्जिन की। मार्जिन होते कहाँ पे हैं, पेज लेआउट में है। ये मार्जिन हैं आपके, कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर लें, ये एमसीक्यूज आता है आप देख लें। जो आपका होगा ना गटर, दो मार्जिन होते हैं, गटर मार्जिन मिरर मार्जिन, इसको अच्छे से आपने डिफाइन कर लेना क्योंकि ये एमसीक्यूज आता है, दोनों की डेफिनेशन आती है। गटर आपका इनर बाइंडिंग होती है, ये भी याद रखिएगा। जो आपका गटर होता है ना उसकी पोजीशन होती है लेफ्ट और टॉप। जो आपका होता है मिरर मार्जिन वो लेफ्ट और टॉप में नहीं जाता, वो इनसाइड और आउटसाइड में आता है। ठीक है, वो पेज पलटने पर आता है, पीछे वाले पेज पे या नेक्स्ट पेज पे, वो इसलिए यूज होता है। ये आपके मार्जिन हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। एक बार और याद रखिएगा, जो आपका मिरर मार्जिन होता है वो डुप्लेक्स होता है, यानी डबल साइडेड होता है। एक उसकी इनसाइड होती है, एक उसकी आउटसाइड होती है। इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये मैंने आगे आपसे सारा डिस्कस कर दिया, लेकिन जो 273 पे है ना, ये आपने अभी नहीं करना। ठीक है, ये जब हम चैप्टर नंबर करेंगे 10 जो कल करेंगे उसमें इसका कॉन्सेप्ट है, उसके साथ करेंगे। नेक्स्ट है दी ऑफिस बैक स्टेज व्यू 274। ऑफिस बैक स्टेज व्यू क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। ये फाइल होती है आपकी, ये फाइल में आ जाए, ये सब आपका ऑफिस बैक स्टेज व्यू है, जिसमें सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, फिर न्यू, प्रिंट, ये आपका सब आपका ऑफिस बैक स्टेज व्यू होता है। ठीक है, तो शो भी किया हुआ है कि फाइल में जाएं वहाँ आपका वो होगा। अब डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंटिंग की सेटिंग सबको आती ही है, लेकिन ये हमारा जो मेन टॉपिक है ये एमएस एक्सेल का है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ भी बता देता हूँ, कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट की है, वरना आप इसे फाइल टाइम में भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी पे मैंने क्लिक किया तो देखें ये प्रिंट डायरेक्टली ओपन हो गया। तो ये प्रिंट की सेटिंग है, ये आपका प्रिंट है, कितनी कॉपीज करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट होती हैं, और जो आपका प्रिंटर होता है वो यहाँ से, मेरे यहाँ पे कोई प्रिंटर नहीं मौजूद, वरना मैं आपको करके दिखा देता। प्रिंट प्रिंट आल पेजेस, क्या सब पेजेस को प्रिंट करना है या कुछ कुछ पेजेस को प्रिंट करना है, यहाँ पे होता है वो ऑप्शन। अब प्रिंट वन साइड करनी है या टू साइड करनी है, वो अब पेपर आप करवाते हैं ना, कोई बुक करवाते हैं तो ये टू साइडेड होता है ना पेज, तो वो यहाँ से सिलेक्ट होता है। फिर कोलेटेड होता है सेट की फॉर्म में, कोलेटेड 1 2 3, ये एमसीक्यूज है, याद कर ले। कोलेटेड जो होता है वो होता है 1 2 3, पहले पहला पेज, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जो अनकोलेटेड होता है वो अनसेट होता है, यानी पहले पेज की ही 3 कॉपीज, 1 1 1, 2 2 2 और 3 3 3। तो ये कुछ आपका प्रिंटिंग का थोड़ा सा टॉपिक था। नेक्स्ट है ट्रैक चेंजेस, ये कुछ भी नहीं है, बच्चे इसमें बहुत ना परेशान से हो जाते हैं कि पता नहीं ये ट्रैक चेंजेस क्या है। तो ट्रैक चेंजेस कुछ भी नहीं होता यार, ट्रैक चेंजेस मैं बताता हूँ क्या होता है। मेरे पास प्रिंटर होता ना फिर तो आपको मैं अच्छे से दिखा देता, प्रिंटर नहीं होता घरों में किसी के पास। ये आपने सिलेक्ट किया एक टेक्स्ट, ठीक है, इस पर ट्रैक चेंजेस कर दें, यह ट्रैक चेंजेस, ये मैंने ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आपका अब रिकॉर्ड हो गया कि यार ट्रैक चेंजेस होता क्या है, यानी कोई आपके जो डॉक्यूमेंट में कोई गलती है या किसी मेन पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है तो वो होता है आपका ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज हो गया। अब प्रिंटर होता तो जब मैं इसका प्रिंट लूंगा ना तो ये जो होगा ये हाईलाइट हो जाएगा,
इसके डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस भी होते हैं कि आपने कोई कलर चेंज करना है, कौन सा कलर रखना है, किस कलर से आपको वो नज़र आए आपके डॉक्यूमेंट में जो चीज़ हमारी गलती है या इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे ना इसके प्रिंटर के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। जब आपका प्रिंटर अटैच होता तो फिर आपको ये दिखाता कि यार ये आपने हाईलाइट किया हुआ है या ये आपकी आपके टॉपिक में गलती हो रही थी। तो ट्रैक चेंजेस बस इसीलिए यूज़ होता है और कुछ भी नहीं है। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया आई थिंक। तो अब आपकी असाइनमेंट क्या है, इस चैप्टर के एमसीक्यूज आपने करने हैं जो क्वेश्चन बैंक हैं, ठीक है। इसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। कोई अगर समझ नहीं आती तो 17 एमसीक्यूज हैं, ये आपने करके आने हैं। कल छोटा मोटा मैं इसका आपसे एक टेस्ट भी लूँगा ताकि पता चल जाए कि हाँ बच्चे वाकई पढ़ के आए हैं। तो अब चलते हैं आपकी क्यूरीज की तरफ, जो क्यूरीज रह जाएंगी वो हम अपने ग्रुप में भी डिस्कस कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट कौन सा ओरिएंटेशन होता है यार, अभी अभी आपको बताया ना, पोर्ट्रेट होता है बाय डिफॉल्ट, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट होता है वो लैंडस्केप होता है। जावर कह रहे हैं इंडेंट का करके दिखा दें यार, ये देखें रूलर है वो, ये मैंने सिलेक्ट किया अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये ऊपर रूलर है, ये देखें ये फर्स्ट लाइन को इंडेंट करना है, यानी फर्स्ट लाइन को आगे बढ़ाना है, इंडेंट करना है। तो ये मैं जब ऐसे आगे लेके जाऊंगा तो ये देखें फर्स्ट लाइन इतनी इंडेंट हो गई, इसने साथ बता भी दिया मुझे कि इतनी इंडेंट हुई है, इसको वापस ले आए तो ये आपका अच्छे वाली हालत में दोबारा आ गया। तो ये होती है इंडेंट। टैब सिलेक्टर किस लिए यूज होती है, ये बिल्कुल जब आप इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तो यहां से पहले सिलेक्ट करना पड़ता है कि राइट साइड पे आना है या लेफ्ट साइड पे आना है। देखिए मैंने टैब सेलेक्ट किया है राइट टैब की, तो जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो राइट टैब पे शिफ्ट होगा, जिसको आप इधर से यूज़ करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे होता है राइट इंडेंट, तो ये देखिए ये अब लेफ्ट पे करेगा या राइट पे करेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा लेफ्ट पे क्लिक था तो यहाँ से पहले क्लिक करना है। लेकिन इसका कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा सारा यहाँ का है। वो आपसे यही इंडेंट पूछेगा कितने इंडेंट होते हैं, वो आपसे यहाँ से करके बता दीजिएगा उन्हें कि इतने होते हैं। इस पे सिर्फ कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको बता देगा उसका नाम, लेकिन आपने जो करना है वो यहाँ से करना है। यार वो प्रैक्टिकल नहीं पूछता ज़्यादा, वो चीज़ें पूछता है कि ये चीज़ें फंक्शन कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। बच्चे लेफ्ट करने शुरू हो गए क्योंकि नेक्स्ट बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास स्टार्ट होने वाली है, एक मिनट रह गया। तो जो आपकी क्यूरीज होंगी बाकी ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।